हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनामिका माथुर, लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन, GRWPC जोधपुर से। आज हम बिल्डिंग सर्विसेज सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विभिन्न सतहों पर किस प्रकार का परिवर्तित होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि का परावर्तन क्या है। इसे ऐसे समझिए कि जब ध्वनि किसी दिए गए माध्यम में ट्रैवल करती है तो यह दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और किसी दूसरी दिशा में वापस लौटती है। इस घटना को ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अधिक समझने के लिए यह समझें कि ध्वनि की तरंगें भी प्रकाश तरंगों की तरह ही सतहों से टकराती है, जिससे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इस चित्र में देखने से पता चलता है कि इंसिडेंट रे वह रे होती है जो किसी सतह पर गिरती है, तथा रिफ्लेक्टेड रे वह रे होती है जो उसी सतह से टकराकर वापस लौटती है। नॉर्मल रे वह रे है जो सतह के टकराने वाले बिंदु पर परपेंडिकुलर पड़ती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे व नॉर्मल रे के बीच वाला एंगल होता है, तथा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे तथा नॉर्मल रे के बीच वाला होता है। आइए चित्र की सहायता से जानें कि समानांतर तथा समतल चिकनी सतह पर साउंड वेव्स किस प्रकार रिफ्लेक्ट करती है। फ्लैट सरफेस पर भी साउंड वेव्स स्फेरिकल ही चलती है, तथा सतह से टकराने के बाद यह सोर्स के समान ही चलती है। अब जानें कि कॉन्वेक्स सतह पर ध्वनि की तरंगें किस प्रकार रिफ्लेक्ट करती है। चित्र में देखने से समझें कि जब किसी कॉन्वेक्स सतह से साउंड वेव्स टकराती है तो यह अधिक मैग्नीफाइड हो जाती है तथा अधिक फैल जाती है या डिस्पर्स हो जाती है। इसके कारण जब ध्वनि को कक्ष में अधिक फैलाने की ज़रूरत हो तो कॉन्वेक्स सरफेसेस बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉनकेव सतहों की। कॉनकेव सतहों को वह सतह होती है जहाँ पर ध्वनि परावर्तित होकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और इसी कंसंट्रेशन की वजह से यह छोटी हो जाती है और कक्ष में पूरी तरह फैलती नहीं। इसका यह गुण भी कई जगह उपयोगी होता है। अतः हम यह समझें कि ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन फ्लैट कॉनकेव तथा कॉन्वेक्स सतहों पर भिन्न होता है। इसका उपयोग करके हम आसानी से आंतरिक ध्वनिकता को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट माई पॉइंट। थैंक यू।